रुक कर लेते हैं चूरू का। चूरू के सरदार शहर में रीको इंडस्ट्रियल एरिया में दोपहर को लगी भीषण आग ने देखते देखते चारों फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये आग एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में दोपहर करीब 3 बजे अज्ञात कारणों से लगी थी। जब तक मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक आग ने आसपास की 3 और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके चलते पूरे सरदार शहर में रीको इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग का उठता धुआं दिखाई देने लगा। सरदार शहर तहसील के 4 दमकलों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में रखे केमिकल के कारण आग विकराल होती गई। आग इतनी भयंकर रही कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें दिखाई देती रही। मौके पर एसडीएम और नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी मौजूद रहे। और तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर रीको इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए 4 फैक्ट्रियों में ये भीषण आग लगी। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और कई दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने में। रीको इंडस्ट्रियल एरिया में इस आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले जी राजस्थान पर तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए आग पर काबू पाने के लिए कई गाड़ियां मौके पर जुटी हैं। ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी मनोज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आग कैसी लगी है और नुकसान कोई कितने का नुकसान हुआ है इस आग के चपेट में, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 फैक्ट्री में आग लगी हुई है। जी देखिए मणि, मैं आपको बता दूं, लगभग दोपहर 3 बजे की घटना है जो अज्ञात कारणों से ये आग लगी और ये हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग लगी और वहां पे भारी संख्या में केमिकल रखा हुआ था जिसके कारण केमिकल ने आग को उग्र रूप दे दिया और देखते ही देखते आसपास की 4 फैक्ट्रियों को इसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद फैक्ट्री वालों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी और मौके पर सरदार शहर की 4 दमकलें पहुंची। लेकिन केमिकल जो आसपास की 4 फैक्ट्रियां थी, एक कूलर की फैक्ट्री और 3 हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है, केमिकल रखा होने के कारण आग उग्र रूप लेती गई और देखते ही देखते जो फैक्ट्रियों में जो रखा सामान था वो जल गया और दमकलें हैं वो अभी तक आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आसपास के तहसील क्षेत्र की जो दमकलें हैं वो भी मौके पर बुला ली गई है। आग पर पूर्णतया रूप से अभी तक काबू नहीं पाया गया है। दमकलें पानी भर भर कर आ रही है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। लगभग 2 से 3 घंटे अभी भी और वक्त लग सकता है इस आग को पूर्णतया काबू पाने में। हालांकि आग की लपटें हैं वो कुछ हद तक कम हो चुकी है क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर जो सामान रखा था वो पूर्णतया जलकर राख हो चुका है, लेकिन पूर्णतया आग पर है वो काबू नहीं पाया जा सका है। वही इसमें हैरानी वाली बात यह है कि लगातार इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगती आती है, लेकिन आग बुझाने के जो पुख्ता इंतजाम है वो प्रशासन की ओर से यहाँ पर नहीं करवाए गए हैं। फैक्ट्री मालिकों की ओर से आग बुझाने के किसी भी प्रकार के जो इंतजाम है वो फैक्ट्री में नहीं देखने को मिले। जी मनी, बड़ी बात यहाँ पर मनोज साझा कर रहे हैं कि देखिए इंतजाम नहीं थे आग बुझाने के और इसके चलते तस्वीर सामने आई है। और दूसरी बड़ी बात यह कि करीब 2 से 3 घंटे का वक्त और लग सकता है इस आग को बुझाने के लिए और काफी मशक्कत कर रहे दमकल की टीम इस आग को बुझाने के लिए। शुक्रिया आपको मनोज तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे आगे।